हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके? तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। बच्चों चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हमारा, एंटरप्राइज ग्रोथ स्ट्रेटजीज, और ये चैप्टर अपनी अंतिम सांस से गिन रहा है। मतलब अब ये समझ लो कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और विश्वास मानिए, पूरा चैप्टर हमने सिर्फ 2 घंटे के अंदर कंप्लीट किया है और टोटल इसके 6 पार्ट्स बनेंगे और टोटल लेंथ 2 घंटे से भी कम की होगी। तो चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना मर्जर्स कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो बच्चों डिस्क्रिप्शन के अंदर में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, तो इस वीडियो से पहले के सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको एकदम सीक्वेंस में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और इस 4 के भी, और आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे वो भी आपको सीक्वेंस में ही मिलेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के संग, दैट इज एक्विजिशन। बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा ही मजा आएगा इसको पढ़ने में, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, चलो बात करते हैं। बच्चों हमने मर्जर्स का मतलब क्या समझा था, जब दो कंपनियां मिल जाती हैं उसे हम मर्जर बोलते हैं। दो तरीके का हमने देखा था, एक होता हमारे पास अमलगमेशन और एक होता है एब्जॉर्प्शन। अमलगमेशन का मतलब क्या होता था, ए प्लस बी मिलकर सी बन जाता है, और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या था, ए प्लस बी मिलकर ए बन जाता है, वो उसमें ही समा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड बच्चों यूज हो रहा है वो हो रहा है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है खरीदना। क्या बोला मैंने, एक्विजिशन का मतलब होता है क्या, खरीदना। अगर आप डिस्क्रिप्शन में इमेज देख पा रहे हो तो एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है और उसके पीछे एक और बड़ी मछली दिखाने की कोशिश करी गई है। मतलब ये जब आप छोटे बिजनेस को खा जाओ, जब आप छोटे बिजनेस को अपने अंदर ले आओ या उसको खरीद लो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। ये बात समझ में। मर्जर में आप मिलकर आ रहे हो, एक्विजिशन में आप लेकर आ रहे हो, देखो डिफरेंस है बात में। चलिए बच्चों रीड करते हैं मीनिंग क्या है हमारे पास एक्विजिशन का। तो एक्विजिशन सिंपल मीनिंग क्या है, एक कंपनी जब बहुत दूसरी कंपनी के जिसको वो खरीदना चाहती है, वो हमारा टारगेट है, तो उसको बोलते हैं टारगेट कंपनी। जब एक कंपनी टारगेट कंपनी का ओनरशिप ले ले जिससे उस पर वो कंट्रोल कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन बोल पाते। अगर मैं दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लूं तो क्या मेरा उस पर कंट्रोल आ जाएगा, आ जाएगा। क्या मैं उस कंपनी में अगर 50% से ज्यादा शेयर खरीद लूं तो क्या मैं उस कंपनी का कंट्रोल संभाल सकता हूं, संभाल सकता हूं। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, अ कॉर्पोरेट एक्शन इन विच अ कंपनी बाय मोस्ट ऑफ द टारगेट कंपनी ओनरशिप स्टेक इन ऑर्डर टू एज्यूम कंट्रोल ऑफ द टारगेट। ये बात समझ में आ गई। और नॉर्मली हम एक्विजिशन क्यों करते हैं बच्चों, एक सिंपल सी बात है, अगर हम खुद अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, खूब खुद ही ब्रांचेस ओपन करेंगे, खुद ही प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उसमें बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी। इससे अच्छा क्या, एक चलता हुआ बिजनेस खरीद लो, उससे क्या होगा, अपने को आसानी होगी। क्या वहां पे ऑलरेडी इंप्लॉयज होंगे, वहां पे ऑलरेडी प्रोडक्शन चल रहा होगा, वहां पे सब कुछ हो रहा होगा। अपने क्या किया, चलती हुई दुकान ही खरीद ली। एक होता है एक दुकान एस्टेब्लिश करना, खुद के कस्टमर बनाना, एक होता है चलती दुकान को खरीद लो, उसके कस्टमर ऑलरेडी बने हुए। तो एक्विजिशन से अपने को ये फायदा हो जाता है, वही देखो यहाँ पे दे रखा है। ये ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है अपने मुकाबले, क्योंकि अपने को ऑपरेशन या फिर वो करने में ज्यादा टाइम लगेगा रादर देन एक चलती हुई बिजनेस को खरीदने का। ठीक है, ओके। अभी दो तरीकों से आप कंपनी खरीद सकते हो, या तो उनको कैश पे कर दो, या फिर उनको अपनी कंपनी के क्या दे दो, शेयर्स दे दो, या कॉम्बिनेशन दे दो, और आप क्या बना लो, उसको अपने अंदर लेकर आ जाओ। क्या बात क्लियर होगी, ओके। अच्छा, एक्विजिशन को हम टेक ओवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम एक टेक ओवर भी बोलते हैं, क्योंकि हम एक कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, इसलिए एक्विजिशन टेक ओवर भी बोलते हैं, ओके। अब चार तरीके के हमारे पास क्या आते हैं, एक्विजिशन आते हैं। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में इसमें एमसीक्यू भी बन सकता है और 4 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो चार तरीके के हमारे क्या होते हैं, एक्विजिशन होता है। पहला होता है फ्रेंडली एक्विजिशन। फ्रेंडली एक्विजिशन मतलब क्या है, आप बिकना चाहते हो, मैं खरीदना चाहता हूँ, बात खत्म हो गई, हमने मिलजुल कर बिजनेस ट्रांजेक्शन कर लिया। तो क्या देखा है, When both the company approves the acquisition under friendly terms, मतलब ये आप खुशी खुशी बिक रहे हो, मैं खुशी खुशी खरीद रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, friendly acquisition। में कोई जोर जबरदस्ती वगैरह कुछ नहीं होती, सब कुछ आराम से मिली भगत के संग होता है। दूसरा होता है रिवर्स एक्विजिशन। रिवर्स एक्विजिशन मतलब क्या होता है, जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को खरीद ले। पब्लिक कंपनी मतलब जो उसमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, प्राइवेट कंपनी का मतलब जिसमें 2-4 लोगों का पैसा लगा हुआ है, मैक्सिमम 200 लोगों का पैसा लगा हुआ है। तो जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी को खरीद लेती है तो उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स एक्विजिशन। तीसरा आता है हमारे पास बैक फ्लिप एक्विजिशन। बच्चों ये तो बड़ा ही मजेदार है, मतलब ये समझ लो कि हाँ भाई
क्या बोलते हैं, बाप बड़ा होता है और बेटा छोटा होता है, लेकिन जब बाप ही बेटे के सामने ढेर हो जाए उसे क्या बोलते हैं, बैकप्लेन एक्विजिशन बोलते हैं। अब जरा एग्जाम्पल में बताते हैं बच्चों, आपने सुना है ना एक कंपनी दूसरी मालिक कंपनी, हमें एक बार आपको पता है व्हाट्सएप कौन सी कंपनी का है, फेसबुक का है कि नहीं, इंस्टाग्राम भी किसका है, फेसबुक कंपनी का। मतलब ये कि व्हाट्सएप को किसने खरीदा था, फेसबुक ने खरीदा था, इंस्टाग्राम को किसने खरीदा था, फेसबुक ने खरीदा। अगर मान के चलिए इसमें फेसबुक को हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी और फेसबुक और उसको व्हाट्सएप को या फिर इंस्टाग्राम को क्या बोलते हैं, सब्सिडरी कंपनी। जिसने खरीदा है वो है होल्डिंग कंपनी, जो खरीदा गया है जो बिका है उसे बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। इन फ्यूचर अगर व्हाट्सएप ही खरीद ले किसको, फेसबुक को, या इंस्टाग्राम ही खरीद ले किसको, फेसबुक को, उसको बोलेंगे बैक फ्लिप एक्विजिशन। ठीक है, तो वही दे रखा है, ये बहुत ही रेयर केस में होता है। इसको क्या बोलते हैं, जब परचेजिंग कंपनी जो खरीदना चाहती है वही खरीदी हुई कंपनी का क्या बन जाती है, सब्सिडरी बन जाती है। मतलब ये कि पहले आपने मेरे को खरीदा था, मैं आपका सब्सिडरी बन गया था, और अब मैंने क्या किया, आपको मैंने ही खरीद लिया है, तो जो पहले आप मेरे, मैं आपका सब्सिडरी था, अब आप मेरे सब्सिडरी हो गए। समझ में आया, बिल्कुल ये वाली बात। लास्ट हमारे पास क्या होता है, हॉस्टाइल एक्विजिशन। बच्चों यहाँ से तो बहुत नंबर का बनता सवाल, यहाँ से बहुत बार एक नंबर का सवाल बन चुका है। हॉस्टाइल का मतलब क्या है, मैं आपके पास आया, मैंने कहा मुझे आपकी कंपनी खरीदनी, आपने बोला मैं बेचने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मान के चलो आपकी कंपनी जिसके शेयर बिकते हैं, और मैंने बोला कि मुझे आपकी कंपनी खरीदनी, आपने बोला कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने धीरे 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 आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चालू कर दिए, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चल रहा मार्केट में शेयर बिक रहे हैं, लोगों से मैं शेयर्स खरीदता हुआ जा रहा हूं, और एट द एंड मेरे पास इतने शेयर्स हो गए कि मैं आपको निकाल सकता हूं या आपके ऊपर कंट्रोल ले सकता हूं। इसको बोलते हैं हॉस्टाइल एक्विजिशन। मतलब आपने क्या कर लिया, उसको अपने अंटे में ले लिया, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। तो क्या दे रखा है, एंटायर प्रोसेस इज डन बाय फोर्स। स्मॉलर कंपनी को यह बोला जाता है, या तो तुम खुद बिक जाओ, नहीं तो फिर हमको पता है हमको कैसे करना है। क्या बोला जाता है, हम उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते, या तो तुम यस बोलो या फिर हम तुम्हारे कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लेंगे, मेजोरिटी में आ जाएंगे और अपने आप ही हमारा हम मालिक बन जाएंगे। बात समझ में आई, या तो तुम खुद ही बिक जाओ या फिर हम मार्केट में जाके शेयर्स खरीदेंगे, अपने आप हम मालिक बन जाएंगे, तो तुम्हारी मर्जी है। समझ में आई या नहीं, वही वाली बात। वो ये पुराने जमाने का गुंडा है, या तो लड़की से वो बोल रहा है, या तो तुम ही खुद यहाँ बोल दो शादी के लिए, वरना अगवा कर लेंगे। तो वही वाला हिसाब यहाँ पे इन्होंने कंपनी के लिए बोला, तो या तो खुद ही बिक जाओ, नहीं तो मार्केट में आकर तुम्हारे शेयर्स खरीद लेंगे। क्लियर हो गया, ओके। अब बच्चों बात करते हैं कि हम ये मर्जर्स या एक्विजिशंस क्यों करते हैं। ठीक है, मर्जर्स या एक्विजिशन हम क्यों कर रहे हैं। पहला इसका आंसर है बच्चों क्या, सिनर्जी। सिनर्जी मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, मान के चलिए दो कंपनी पेप्सी और कोका कोला। पेप्सी की कीमत है 10 रुपए, अगर अकेले पेप्सी को देखा जाए तो, कंपनी की कीमत बोल रहा हूँ 10 रुपए। ठीक है, और मैं कोका कोला की बात करूं, कोका कोला की कंपनी की भी कीमत कितनी है, 10 रुपए। ये बात समझ में आई, दोनों कंपनियों की अपनी अलग अलग कीमत है, 10 रुपए 10 रुपए। अगर ये दोनों कंपनियां बाय चांस मिल जाए तो क्या है, 20 रुपए की हो जाएंगी, नहीं ये 40-50 रुपए की हो जाएगी। क्यों हो जाएंगी, अब क्योंकि पूरे मार्केट में इन दोनों का ही कब्जा होगा, आया ना, कोई कॉम्पिटिशन इनके काम में टिक नहीं पाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, तो मतलब ये एक और एक अब 11 बन गए, दो नहीं बने, क्या बन गए, 11 बन गए। तो एक कंपनी की कीमत एक है, दूसरी कंपनी की कीमत क्या है, एक है, मिलके 11 हो गए, तो जो एक्स्ट्रा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जी। ये बात क्लियर हो गई, ओके। तो क्या दे रखा है, सिनर्जी क्या होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंबाइंड एंटिटी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कंबाइंड एंटिटी। मतलब ये इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द कंबाइंड फर्म एंड द वैल्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। मतलब ये एक तरीके से यहाँ पे दे रखा है, वैल्यू ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। ये बात समझ में आ गई, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जी। अब सिनर्जी दो तरीकों की होती है बच्चों, पहली होती है हमारे पास ऑपरेटिंग सिनर्जी, दूसरी होती है हमारे पास फाइनेंशियल सिनर्जी। ऑपरेटिंग सिनर्जी का मतलब क्या होता है कि अगर दो कंपनियां मिलेंगी तो बहुत बड़े लेवल पे काम होगा, और जब बहुत बड़े लेवल पे काम होता है ना तो खर्चे कम होते हैं, क्योंकि बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, अब छोटे लेवल पे काम करते हो तो खर्चे ज्यादा होते हैं, जब बड़े लेवल पे काम करते हो कंपैरेटिवली खर्चे कम होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका पॉइंट लिख लो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, जब बड़े लेवल पे काम करते हैं तो खर्चे पर यूनिट कम होते हैं। लिख लो, क्या लिखो, जब भी हम बड़े लेवल पे काम करते हैं, जब हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन हाई होता है,
तो हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो कम होती है, ठीक है ना। या तो हमारे खर्चे कम हो जाएंगे या फिर हमारी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिनर्जी। दूसरा आता हमारे पास फाइनेंशियल सिनर्जी, हमको फाइनेंशियली भी फायदा होता है, हमारे टैक्सेस कम हो जाते हैं। सर कैसे? अब देखो, मान के चलो मैं बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हूं, मेरे को बहुत टैक्स देना पड़ता है, मैंने एक ऐसी कंपनी खरीद ली जो कि बहुत लॉस मेकिंग है, तो उससे होगा क्या? वो और ये मैं मिलेंगे, सेल भी मिलेगी तो प्रॉफिट भी मिलेंगे, मेरा प्रॉफिट उसका लॉस प्लस मेरा प्लस उसका माइनस, सेटअप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये बात समझ आई? तो इससे क्या होगा, मेरा टैक्स कम हो जाएगा। तो कभी कभार लोग इसलिए भी मर्जर्स कर लेते हैं, किसी भी एक्विजिशन कर लेते हैं, वो लॉस मेकिंग कंपनी है, मेरे को प्रॉफिट हो रखा है, अगर मैंने उसको खरीद लिया तो मेरा टैक्स का अमाउंट जो हो जाएगा वो बच जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम ज्यादा लोन ले पाएंगे, कैश को अच्छे से ज्यादा यूज कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वही बात इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, व्हेन अ फर्म विद द एक्युमुलेटेड लॉसेस और डेप्रिसिएशन मर्जेस विद अ प्रॉफिटेबल फर्म, द फर्म कैन गेट अ सेट ऑफ। मतलब ये मेरा प्लस उसका माइनस सेट ऑफ हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 1 3 हो गया ना, तो मेरे को टैक्स 3 रुपए भी देना पड़ेगा, पहले मेरे को 4 रुपए भी देना पड़ता। इसी को हम टैक्स शील्ड भी बोल देते हैं, मतलब ये अपने को टैक्स से बचाव मिल गया कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ने लॉस मेकिंग को खरीद लिया, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल दे रखे हैं बच्चे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, ग्लैक्सो का और टाटा टी का, वो आप एक बार रीड कर लेते। दूसरा बच्चों हमारे पास पॉइंट आता है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नई मशीन खरीदू या नई टेक्नोलॉजी खरीदू, पहले मैं देखूंगा समझूंगा उसको, फिर मैं अपने लोगों को चलाना सिखाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा, कितना दिमाग खराब होगा। तो एक काम करते, एक ऐसी कंपनी को खरीद ले जिसके पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, उसके बाद ऑलरेडी एम्प्लॉयज होंगे, ऑलरेडी उनको वो काम करना आता होगा, तो उससे क्या होगा, मेरी मेहनत बच जाएगी, मेरा खर्चा बच जाएगा टेक्नोलॉजी को खरीदने का, प्लस अपने लोगों को सिखाने का, और प्लस उसकी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा होगा, उसका फायदा मुझे अलग मिलेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, टू रिमेन कॉम्पिटेटिव अपने को कंटिन्यूसली अपग्रेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को या फिर एप्लीकेशन को। या तो एक तरीका खुद खरीदो, बट कंपनियां खरीदती नहीं है, क्यों नहीं खरीदती? कंपनियां दूसरी कंपनियों को खरीद लेती हैं जिनके पास वो टेक्नोलॉजी होती है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? उसके बाद उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है बच्चों, वो आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है। सिंपल वर्ड्स में हम एक ऐसी कंपनी को खरीद रहे हैं जिसके पास न्यू टेक्नोलॉजी है, उससे अपने को वो भी मिल जाती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, इंप्रूव्ड प्रॉफिटेबिलिटी। मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब दो कंपनियां मिलेंगी तो सेल ज्यादा होगी, मार्केट में शेयर हमारा ज्यादा होगा, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट भी क्या होगा, हमको ज्यादा होगा। वो यहाँ पे दे रखा है, कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी देखेगी मर्जर के साथ, एक्विजिशन के साथ, और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी सेल ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और बाकी उन्होंने फिर से एक एग्जाम्पल दे रखा है, हाँ जी, एक्वायरिंग अ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है काबिलियत, कैपेबिलिटी, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अब मान के चलिए मुझसे है ना साइंस नहीं पढ़ाई जाती, मेरा मन तो है कि साइंस के बच्चे बहुत है, लेकिन मुझसे साइंस नहीं पढ़ाई जाती, तो मैंने क्या किया कि ऐसी कंपनी को खरीदे जो साइंस पढ़ाता है। तो उससे क्या हुआ, जो मेरे पास काबिलियत नहीं थी, मैंने एक ऐसी कंपनी को खरीदा जिसके पास वो काबिलियत थी, अब वो क्या रहा है, मेरे पास मार्केट शेयर बढ़ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे दे रखी है, कंपनी ऑल्सो ऑप्ट फॉर M&A। M&A का मतलब क्या, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, टू एक्वायर अ कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी दैट दे डू नॉट हैव एंड विच द अदर फर्म डज। मतलब जो सामने वाले के पास है वो मेरे पास कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैंने उसको क्या कर लिया है, खरीद लिया है। क्लियर हो गया? यहाँ पे उन्होंने ICICI बैंक और ITC का एग्जाम्पल दिया है, वो एक बार आप रीड कर लेना। अब देखो ICICI और ITC क्या है, एक के पास कस्टमर है, एक के पास वो है क्या कहते हैं बैंक पैसा है। ITC क्या है, कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी, उसके पास कस्टमर है। ICICI बैंक के पास क्या है, पैसा है। तो अगर ये दोनों के बीच में कुछ मर्जर हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये अपने कस्टमर इसको दे देगा, तो काम बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, तो एक के पास जो चीज है वो दूसरे को मिल जाएगी। पांचवा पॉइंट बच्चों हमारे पास क्या दे रखा है, एंट्री टू न्यू मार्केट्स। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये मान के चलो, मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, अब मैं दिल्ली में जाके पढ़ाऊं, जम्मू कश्मीर में जाके पढ़ाऊं, आसाम में जाके पढ़ाऊं, या साउथ में जाके पढ़ाऊं, चेन्नई में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर केरला में, कर्नाटका में, मेरे को वहां पर जाना पड़ेगा, वहां के लोगों से कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा, वहां पर अपना गुडविल बनाने का मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टाइम हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। अब हमने क्या किया,
हमने सिंपल वर्ड्स में एक काम किया, हमने वहां की कंपनी के संग साठ गांठ कर ली, मर्जर एंड एक्विजिशन कर लिया, या तो उनके संग मिल गए या फिर उनको खरीद लिया। तो अपना क्या हुआ, कंपटीशन कम हो गया, वहां पर वेल एस्टेब्लिश अपने को क्या मिल गया, मार्केट मिल गया। समझ में आई वाली बात? वही बच्चों बात यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हैसल फ्री एंटर इनटू न्यू मार्केट, मतलब ये बिना तकलीफ के हम नए मार्केट में एंटर कर जाते हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए तो अपने को जब भी कंपनी एंटर करती है न्यू मार्केट में, अपने को कंपटीशन फेस करना पड़ता है, ठीक है ना, और लड़ाई झगड़ा होता है, कंपटीशन होता है, एडवर्टीजमेंट होती है, तब जाके कुछ मार्केट शेयर हमको मिलता है। लेकिन अगर मर्जर अडॉप्ट करें तो क्या हुआ, अपने को बहुत आराम से एंट्री मिल जाती, कॉम्पिटिशन भी हमारा बच जाता है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि पहले हच अलग कंपनी होती थी, वोडाफोन अलग कंपनी होती थी, फिर दोनों मिलकर क्या बन गई, वोडाफोन मिल गई। अब वोडाफोन आइडिया मिलके क्या हो गया, वी बन गया। तो मतलब क्या, मार्केट अपने को नया मिल गया, क्लियर हो गया। ओके, अगला पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा बच्चों, एक्सेस टू फंड। अब देखो बच्चों मुझे एक बात बताओ, हम मार्केट में जाएंगे, हमको पैसा नहीं मिला तो हम मार्केट में शेयर इशू नहीं कर पाए तो क्या हुआ, तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंपनी के संग मर्ज कर रहे हैं। तो हो सकता है उसके पास पैसा हो, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, हम मिलकर काम कर लेंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पास इन शॉर्ट क्या हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है। ये बात क्लियर हो गई? तो वही बात उन्होंने यहाँ पे दे रखी है, हो सकता है मार्केट से पैसा ना उठा पाओ, कंपनी को पैसे की जरूरत हो ग्रोथ करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, दूसरी कंपनी के संग मर्ज कर लिया, मर्ज करके उनके पास पैसा भी बढ़ गया। ये क्लियर हो गया? और बच्चों लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, टैक्स बेनिफिट्स। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक कंपनी हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और एक कंपनी जो लॉस में चल रही है, जब ये दोनों कंपनी मिल जाएंगे तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के जो प्रॉफिट्स हो जाएंगे वो कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि वो लॉस मेकिंग के संग प्लस माइनस होकर सेट ऑफ हो जाएंगे। तो उससे उनको जो टैक्स जो पहले ज्यादा देना पड़ता, अब उनको वो टैक्स कम देना पड़ेगा। यह बात समझ में आ गई नहीं आ गई? वही चीज यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पर हम मर्जर इसलिए भी करते हैं जिससे अपने को टैक्स ना देना पड़े। अगर हम लॉस मेकिंग एंटिटी के संग करेंगे हाई कदम, तो वो अपने को सेट ऑफ मिल जाएगा, सेट ऑफ मतलब प्लस माइनस कम हो जाएगा अमाउंट, और अपने को टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? वेरी वेरी गुड। तो बच्चों हमने आज क्या पढ़ा कि एक्विजिशंस क्या होते हैं, चार तरीके के हमने एक्विजिशंस देखे थे। कौन कौन सा देखा था हमने, पहले फ्रेंडली, बैकफ्लिप, हॉस्टाइल और अपना ये क्या कहते हैं, रिवर्स। इसके बाद हमने ये देखा था कि लोग मर्जर एंड एक्विजिशन क्यों करते हैं, उसके लिए हमने सात पॉइंट्स पढ़ लिए। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कि मर्जर एंड एक्विजिशन फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय टाटा, टेक केयर।